हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एसएससी सीजीएल 2019 टीयर वन का कल रिजल्ट आ गया था। मैंने आपको अपडेट दे के सारी चीज़ें बता दी थी कि क्या क्या चीज़ें चली हैं, टीयर टू की डेट्स क्या हैं, टीयर थ्री की डेट क्या है, सारी चीज़ों पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था। लेकिन बहुत सारे सवाल आपके मेरे पास आए, सर मेरा इस शिफ्ट में इतने नंबर बन रहे हैं, ठीक है मुझे कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे जिससे कि मेंस में, जिससे कि मैं फाइनल सिलेक्शन तक पहुँच पाऊँ, क्या मेरे बाउंड्री के पास नंबर है, क्या मैं सिलेक्शन तक पहुँच सकता हूँ या नहीं पहुँच सकता, ठीक है। इस तरह के ढेरों सवाल, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का पेपर देना कंपलसरी है या नहीं है, ठीक है, जेएसओ का पेपर दूँ या ना दूँ, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, मैंने जेएसओ पे टिक कर दिया था, ठीक है मेरे पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है तो बाद में मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ऐसे ढेरों सवाल थे। सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। वैसे मैंने इसके लिए आज सुबह एक स्पेशल क्लास भी रखी थी अकेडमी पे, वो लाइव क्लास थी, सभी लोग अटेंड कर सकते थे। तो बहुत सारे लोग जो अकेडमी पे मुझसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो तो वहाँ पे जुड़े, और उनकी पर्सनल क्वेरीज का भी मैंने वहाँ पे जवाब दे दिया था। लेकिन फिर भी मेरे पास मेल्स आते रहे, मैसेज आते रहे, तो मैंने सोचा कि एक क्यों ना डिटेल वीडियो बना के आप सभी लोगों को भी इस बारे में बता दिया जाए कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और कितना आपको स्कोर करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कितने चांसेस हैं। होता क्या है कि बाउंड्री पे हमारे मार्क्स आते हैं या तो हमारे दिमाग में ये हो जाता है कि कट ऑफ क्लियर हो गई, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, टीयर वन हो गया, चलो टीयर टू की तैयारी कर लेंगे, ठीक है फिर इसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर हमारे मन में होता है बाउंड्री पे सिलेक्शन हुआ है, मेरे से तो बाकी जो दूसरे बच्चे हैं उनके 50-50 नंबर ज़्यादा हैं, मेरे से 60-60 नंबर ज़्यादा हैं तो मेरा कोई चांस ही नहीं है सिलेक्शन का, ठीक है। इस तरह की सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, राइट। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बताने वाला हूँ, जो भी चीज़ें हैं जो एक्चुअल में है वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और एसएससी एग्जाम्स की बात की जाए तो आप जानते ही हो मैं कब से जुड़ा हुआ एसएससी एग्जाम से, और हर एक छोटा मोटा अपडेट आपको देता रहता हूँ और आपका पढ़ाता भी हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो सारी चीज़ें मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ और आप टेस्ट कर सकते हो। मैंने एनालिसिस भी किया था, ठीक है, और एसएससी के लिए मुझे नहीं लगता कि 15,000 से ज़्यादा सैंपल साइज आज तक कभी भी किसी के एनालिसिस में आया है, तो आप लोगों का ट्रस्ट था मेरे ऊपर और मैंने एक बेहतरीन एनालिसिस आपको दिया भी था, बड़ी मेहनत करी थी उसमें, और जो कट ऑफ गई है कहीं ना कहीं उसके आसपास ही गई है, जो चीज़ें पहले आपको बताई गई थी लगभग वैसी ही हुई हैं, ठीक है। तो कोई बड़ा सरप्राइज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिला, ऑल दो कट ऑफ एक दो नंबर ऊपर चली गई तो उससे कोई बात नहीं, लेकिन हमें आइडिया था कि हाँ ऐसा ही जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारे लिए यहाँ पे नहीं हुई। कुछ चीज़ें एसएससी ने अपने एंड पे करी कि थोड़े कम कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करा, उससे इतना फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी जो लास्ट के कैंडिडेट्स होते थे पहले उन्हें दिक्कत होती थी, लेकिन इस बार थोड़े कैंडिडेट्स कम सिलेक्ट करें तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हो गई तो अच्छा है। अब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, टीयर टू के कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा, कितना आपको स्कोर करना चाहिए जिससे कि आपकी जॉब लग जाए, और अब आगे का प्रोसेस में आप कैसे काम करो, ठीक है, सो डैट आप ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना करो, और किन किन पेपर को देना चाहिए आपको नहीं देना चाहिए, जेएसओ का पेपर जो होता है पेपर थ्री, ठीक है, स्टेटिस्टिक्स का वो देना है या नहीं देना, किसको देना है किसको नहीं देना, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और अगर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पेपर की बात की जाए इसके बारे में बताऊंगा कि इस बार जो कट ऑफ आई है और जो पिछली बार कट ऑफ आई थी 2018 में उसके बीच में बहुत अलग डिफरेंस है, 10 नंबर का डिफरेंस है, वो तो हमें पता ही था कि लगभग इतना होगा, लेकिन और भी चीज़ें जानने वाली जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप इस एग्जाम के लिए ऑप्ट कर रहे हो। तो शुरू करते हैं, एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। पहले थोड़ा सा आपको एनालिसिस के बारे में बता दूंगा, जब मैंने एनालिसिस किया था मैंने आपको कहा था दो शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड रही है, 4 मार्च की शिफ्ट 2 और 5 मार्च की शिफ्ट 1, और इसमें लगभग आपको 40 नंबर तक का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। ऑल्दो जो हमने एनालिसिस किया था उसमें 30-31 नंबर का ईजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट के बीच में डिफरेंस आ रहा था, तो ओवरऑल ये ईजीएस शिफ्ट थी आपकी 3 मार्च शिफ्ट 1, तो इनके बीच में डिफरेंस 31 नंबर का लगभग बन रहा था, तो मैंने कहा था कि जो इंक्रीज देखने को मिलेगा वो 40 नंबर तक का हमें आराम से देखने को मिल सकता है, राइट। तो वैसा ही हुआ है, 40 से 42 नंबर का जनरल इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन दोनों शिफ्ट में जिन लोगों के मार्क्स हैं, और उस हिसाब से हमने कट ऑफ भी प्रिडिक्ट करी थी, और इसी तरह 5 मार्च शिफ्ट 1, 5 मार्च शिफ्ट 2 और सभी की एवरेज स्कोर जो 15,000 लोगों का मैंने डेटा लिया था वहाँ पे आपको दिख रहा है, और यहाँ से हमने अंदाजा लगा लिया था कौन सी शिफ्ट हार्ड है कौन सी शिफ्ट आसान है और कितना कितना स्कोर आपको करना है, राइट। अच्छा, इसके बाद जो एनालिसिस किया था मैंने कैटेगरी वाइज और बताया था कि किस पे कट ऑफ आएगी, तो वो एक बार देख लो, ठीक है। ये मैंने कहा था जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो हर एक शिफ्ट में जितना एवरेज स्कोर था हमारे उसका एनालिसिस का, मैंने कहा था अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो तो 100% चांसेस है कि आप कट ऑफ को क्लियर कर लोगे। बाकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई गई थी इसमें 6 नंबर कम यूआर कैटेगरी के लिए और बाकी कैटेगरी के लिए पिछले साल के डेटा को देख के अंदाजा लगाया गया था, तो लगभग उसी ट्रेंड में सारी चीज़ें चल रही हैं। आप देख सकते हो लगभग अगर एक पर्टिकुलर शिफ्ट में आप इतना इतना स्कोर कर रहे हो जितना एवरेज स्कोर था तो आपका कहीं ना कहीं टीयर वन क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, राइट। एक दो नंबर से रह गए तो बात अलग है, तो प्लस माइनस 3 का तो डेविएशन हमेशा रहता ही है। बाकी मैंने कहा था कि यहाँ पे इतना है तो आप 100% टीयर टू की तैयारी करने में लग जाओ और बाकी इतना मार्क्स है तो भी आपकी कट ऑफ क्लियर हो सकती है, राइट। तो हो सकता है कि जो नीचे वाला स्कोर, ये वाली लाइन आपको दिख रही है, इसमें अगर आपका इतना स्कोर है तो एक दो नंबर से हो सकता है आप रह गए हो, तो 7 तारीख को मार्क्स आ जाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी, वरना लगभग जो भी एक्सपेक्टेड चीज़ें थी वैसी रही हैं, थोड़ी सी कट ऑफ उम्मीद से 2-3 नंबर ज़्यादा चली गई
वो इसी वजह से चले गए क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कम सिलेक्ट किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूआर और ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ निकालना आसान होता है। एससी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ बहुत जल्दी वैरी करती है तो हम कुछ ज्यादा उसमें डिटेल में कह नहीं पाते। ऐसे ही पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बारे में भी ज्यादा डिटेल में नहीं कह सकते, बल्कि यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बारे में फिर भी आइडिया लगाया या जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें मार्क्स कितने इंक्रीज होंगे लगभग हर एक शिफ्ट में, आप देखोगे जो कर्व होता है नॉर्मलाइजेशन का, मैंने आपको पहले समझाया कि वो कुछ इस तरीके से होता है ज्यादातर शिफ्ट में। कुछ शिफ्ट में फ्लैटन कर्व भी होता है और कुछ शिफ्ट में आपका डाउनवर्ड भी कर्व होता है। ये किस शिफ्ट में होता है आपका इंक्रीजिंग? ये आपके नॉर्मली सभी शिफ्ट में चलेगा। हार्ड शिफ्ट में आपका कर्व होता है ऐसा, मतलब हार्ड शिफ्ट में सभी लोगों के लगभग 40 से 42 नंबर बढ़ रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल शिफ्ट्स की बात करूंगा तो उसमें क्या होगा, मान लो आपके 100 नंबर हैं तो 100 नंबर पे अगर आपके 20 नंबर बढ़ रहे हैं तो 170 नंबर पे आपके कितने नंबर बढ़ जाएंगे, हो सकता है 30 नंबर बढ़ जाएं। तो कुछ इस तरह से मीडियम शिफ्ट्स में चलता है। और इजी शिफ्ट्स की बात करें तो आपके क्या होते हैं, एक पॉइंट के बाद आपके मार्क्स कुछ ऐसा कर्व भी होता है। एक पॉइंट होता है जिसके नीचे नंबर है तो आपके मार्क्स घटेंगे, उससे ऊपर नंबर है तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। कुछ इस तरह की चीजें चलती हैं। और अगर हम बात करें एक शिफ्ट ऐसी भी होती है कि मार्क्स बढ़ने पे थोड़े से मार्क्स घट भी जाते हैं आपके, तो बहुत अलग अलग कर्व्स होते हैं। पूरा डिटेल एनालिसिस किया तो अब उस पे नहीं जा रहा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपका इन इन शिफ्ट में पेपर है तो आपके लगभग इतने इतने मार्क्स बढ़ सकते हैं, बाकी आपके जितने मार्क्स होंगे उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा डेटा। ठीक है, तो थोड़ा आइडिया आपको लगेगा कि यार आपके 100-120 के आसपास नंबर आ रहे हैं, रो स्कोर लगभग इतना था, तो लगभग हो सकता है आपके इतने इतने मार्क्स हर एक शिफ्ट में बढ़े हों। राइट, यहाँ पे डेटा दिख रहा है अंदाजा लगाने के लिए। ठीक है, ये इजीएस शिफ्ट थी तो इसमें हमने इजीएस शिफ्ट को बेस मान के सारी चीजें करी थी, इसलिए यहाँ पे जीरो दिख रहा है, वरना इसमें भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। राइट, और इसमें भी थोड़े ज्यादा बढ़ेंगे, तो इन चार पांच शिफ्ट में थोड़े थोड़े और ज्यादा मार्क्स बढ़े होंगे। तो ये बस थोड़ा आइडिया लगाने के लिए कि लगभग इतने इतने आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़ सकते हैं अगर आपने पेपर दिया है एवरेज में। अच्छा, अब सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके जो भी आपके डाउट्स हैं। सबसे पहले कट ऑफ को समझते हैं। जो आपकी कट ऑफ गई थी लिस्ट थ्री में उन लोगों के लिए था जो सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एओ और जेएसओ की पोस्ट छोड़ दो, बाकी सभी पोस्ट के लिए आप पेपर दे सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, और बाकी सभी पेपर्स। अच्छा, तीन लिस्ट आई थी, एक इसके लिए आई थी लिस्ट थ्री जो सभी कैंडिडेट्स के लिए थी, एक लिस्ट आई थी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पोस्ट के लिए, एक लिस्ट आई थी जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर और स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर पोस्ट के लिए। राइट, तो अगर हम बात करें जो इसकी कट ऑफ थी जीएसओ के लिए, आपको अलग से अप्लाई करना था फॉर्म फिल करते टाइम। अगर आपने अलग से अप्लाई नहीं किया था, वहाँ पे पूछता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं, आप अप्लाई करना चाहते हो या नहीं। अगर आपने उसके लिए अप्लाई करा था तभी आपका ये लिस्ट टू थी, लिस्ट टू में नाम होगा। अगर आपने उसके लिए अलग से अप्लाई नहीं किया था तो उसमें नाम नहीं होगा। एओ के लिए आपको अलग से अप्लाई नहीं करना था, अगर मतलब आपने फॉर्म भरा है तो इसमें अगर आपके एओ की कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपका इसमें डेफिनेटली नाम होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो ऐसा हो सकता है आपका वन और थ्री लिस्ट में नाम हो और टू लिस्ट में नाम ना हो, ऐसा हो सकता है आपका वन लिस्ट में नाम हो, ठीक है, और टू और थ्री लिस्ट में नाम ना हो, और ऐसा भी हो सकता है आपका वन टू थ्री तीनों लिस्ट में नाम हो। डिपेंड करता है आपने फॉर्म को कैसे भरा है। ठीक है, अगर एक यूआर कैटेगरी से एक उससे ज़्यादा नंबर है तो एओ वाली लिस्ट में आपका नाम होगा, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि लगभग आपके मार्क्स कितने रहे हैं। 5-6 दिन के वेट के बाद आपको एग्जैक्ट मार्क्स भी मिल जाएंगे। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे यूआर कैटेगरी से जो आपकी कट ऑफ गई थी 147.7 लगभग 148 मार्क्स गई थी, जिसमें 25,876 लोग ऐसे थे यूआर कैटेगरी से जिनके मार्क्स इससे ज़्यादा थे। लेकिन एक्चुअली में कितने लोग थे जिनके 148 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं सीजीएल 2019 टियर 1 में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन? अगर हम वो निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3580 कैटेगरी के, 1074 एसटी कैटेगरी के, 21598 ओबीसी कैटेगरी के, 8829 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, 147 ईएसएम, और ये सारी कैटेगरी के अगर हम जोड़ दोगे कैंडिडेट्स को तो ये सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो यूआर की कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स लेके आए हैं, मतलब 147.78 से ज़्यादा मार्क्स लेके आए हैं। तो इन सबको लगभग हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4500 हो जाएगा, यहाँ पे 2650 लगभग 35,000 के आसपास बन जाएगी ये फिगर। राइट, लगभग 35,000 ये हो जाएंगे, 26,000 ये हो गए आपके पास, तो लगभग 61,000 कैंडिडेट्स, लगभग 61,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स यू आर के ये 147.78 से ज़्यादा हैं ओवरऑल। बाकी हमें अपनी कैटेगरी के मार्क्स से ही मतलब होता है, क्योंकि जो आपकी कट ऑफ आती है वो कैटेगरी वाइज आती है, तो कैटेगरी में देखो कि आपकी रैंकिंग कितनी चल रही है, कैटेगरी की रैंकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू ओवरऑल रैंकिंग। राइट, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही यू आर कैटेगरी की हमने बात करी, ये लिस्ट टू के लिए है जेएसओ और ये लिस्ट वन है आपके असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जिसके लिए आपको अलग से टीयर टू में एक पेपर भी देना होता है फाइनेंशियल अकाउंट्स का। राइट, उसकी कट ऑफ यूआर कैटेगरी से आपकी 180 की थी, ठीक है, अपने आप में हाई, पिछली बार 170 थी, 10 नंबर बढ़ गई इस बार। और अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी से कितने कैंडिडेट्स थे जिसके 180 से ज़्यादा नंबर है, वो है 2074, और बाकी आप देखोगे और कैटेगरीज में एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस
इन सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को भी अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 2000 के आसपास ये कैंडिडेट बन जाएंगे। तो हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 4000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं ओवरऑल जिनके मार्क्स एसओसी से ज़्यादा हैं। तो अभी क्या होगा, थोड़े टाइम बाद जैसे रिजल्ट आ जाएगा आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 200 में से 200 से ज़्यादा होंगे, राइट। देयर विल बी मैनी पीपल जिनके मार्क्स 200 से ज़्यादा होंगे, कम से कम 100 लोग तो ऐसे होंगे, ठीक है। तो उनके मार्क्स देख के आपको घबराना नहीं है कि 200 में से 200 से ज़्यादा कैसे आ गए। पिछली बार भी आए थे लोगों के 225 तक मार्क्स आए थे, 222-223 तक, 200 में से इस बार भी आएंगे, राइट। सारी चीज़ें पिछली बार की तरह चल रही हैं, कुछ अलग नहीं चल रहा, ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो मार्क्स देख के किसी का घबराना नहीं है और ज़्यादा उन चक्रों में पढ़ना नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपनी तैयारी करनी है इस वीडियो को खत्म होने के बाद। इस वीडियो में जो टाइम वेस्ट कर रहे हो बस इतना ही वेस्ट करो, राइट, उससे ज़्यादा वेस्ट नहीं करना आपको टाइम। अच्छा अगर हम बात करें, अच्छा टाइम वेस्ट कहा मैंने, ठीक है, टाइम यूटिलाइज कर रहे हो, सॉरी इस वीडियो में तो आप। अच्छा अगर हम यहाँ पे बात करें, टोटल 125,000 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने टीयर वन को क्वालिफाई कराया, जबकि हर साल क्या होता था, सीजीएल 2018 में 150,000 कैंडिडेट थे, सीजीएल 2017 में 190,000 कैंडिडेट थे, ऑल्दो उनके रीजन्स डिफरेंट थे। 190,000 इसलिए कर दिया था, लोगों की प्रोटेस्ट चल रही थी, प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए ज़्यादा कैंडिडेट्स बुला दिए थे टीयर वन में नॉर्मलाइजेशन की जब डिमांड चल रही थी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये नॉर्मली इतना ही रखते हैं, 150,000 इतने कैंडिडेट टीयर वन को क्वालिफाई करते हैं, ये वैकेंसी पर डिपेंड करता है। तो इस बार कम लोगों को बुलाया, इसके पीछे ये हो सकता है कोविड-19 की वजह से, जिससे कि कम लोग पेपर में बैठे, और इस बार टीयर टू और टीयर थ्री भी आपका साथ में होना है, 15 दिन का गैप है उनके एग्जाम में बस। और जो लोग टीयर वन क्वालिफाई कर रहे हैं वो टीयर टू टीयर थ्री दोनों पेपर देंगे, ऑल्दो जो टीयर टू क्वालिफाई कर जाएंगे उनकी ही टीयर थ्री की कॉपी चेक की जाएगी, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। टीयर टू और टीयर थ्री की डेट्स 11-12 से 15 तो टीयर टू की डेट्स हैं और 1 नवंबर को आपकी टीयर थ्री की डेट्स हैं। चिंता मत करो, सभी की स्ट्रेटेजी और सब कुछ आपको बता दिया जाएगा आने वाले टाइम में, इस वीडियो में नहीं, आने वाले टाइम में। बाकी इस वीडियो में हम बस ये देखेंगे कि हमें कितना स्कोर करना है, कितना लाना है, और इस डेटा को पूरे अच्छे से समझेंगे और प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे, राइट। अच्छा अगर हम बात करें यहाँ पे असिस्टेंट, ये आपका लिस्ट थ्री है, लिस्ट टू पे दोबारा आते हैं एक बार। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की ये चीज़ थी, ठीक है, हमने ये जान लिया कितने लोगों कितने मार्क्स हैं। अच्छा अगर 2019 की बात करूँ, टोटल आप देखोगे कितने कैंडिडेट्स एओ का पेपर देंगे, ये हमारे पास है 8951 कैंडिडेट्स असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का पेपर देने वाले हैं। अच्छा अगर बात करूँ वैकेंसीज की, वैकेंसीज कितनी है इस बार, 500 है, बस इसे नोट कर लेना, अभी सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, फिर ये भी बताऊंगा पेपर देना है नहीं देना। अच्छा कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका लिस्ट वन में नाम होगा, वो नहीं चाहते असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट, तो अगर वो पेपर फोर में अपीयर नहीं होंगे तो वो छोड़ सकते हैं, ठीक है, बाकी पोस्ट के लिए वो एलिजिबल रहेंगे। सेम गोज विद स्टेटिस्टिक्स का पेपर जो होगा आपका टीयर टू में, अगर आपने लिस्ट टू में क्वालिफाई कर दिया, हो सकता है आपके पास असिस्टेंट क्वालिफिकेशन ना हो, तो आप इसका पेपर मत देना, ठीक है। अगर आपको तैयारी नहीं करनी इस पेपर के अलग से तो इसका पेपर तब भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कैटेगरी से कट ऑफ गई है आपकी 165, पिछली बार भी लगभग 165 गई थी, रीजन ये है सेम कट ऑफ जाने का, जहाँ बाकी कट ऑफ बढ़ गई इसकी कट ऑफ सेम रह गई, क्योंकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है पिछली बार से। पिछली बार आपकी 300 कुछ वैकेंसीज थी शायद, 200 कुछ, और इस बार 1100 कुछ वैकेंसीज हैं। तो ओवरऑल दिखाऊंगा क्योंकि एक पोस्ट एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, वो है आपकी स्टेटिस्टिकल इन्विजिलेटर की, राइट, इन्वेस्टिगेटर या इन्विजिलेटर व्हाटएवर इट इज, मैं बता दूंगा अभी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इतने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये वाला क्वालिफाई कर लिया है 19,391, जिसमें यूआर कैटेगरी के 370-3716 कैंडिडेट्स हैं। अच्छा आप ध्यान दोगे इसमें जो दो अलग अलग पोस्ट हैं, ठीक है, दोनों के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन अलग अलग है, तो इसका मतलब जो लोग नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं और ट्वेल्थ में मैथ्स में 60% से ज़्यादा मार्क्स लेके आए हैं वो जेएसओ के लिए एलिजिबल हैं, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके स्टेटिस्टिकल इन्विजिलेटर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इन्वेस्टिगेटर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, राइट। तो मतलब जेएसओ के लिए 12th में 60% मार्क्स हैं, या ग्रेजुएशन में कोई भी 1%, 12th में मैथ्स में 60% मार्क्स, या फिर अगर हम बात करें ग्रेजुएशन में एक भी सब्जेक्ट आपका स्टैट्स का हो तो आप एलिजिबल हो। अगर स्टेटिस्टिकल इन्विजिलेटर की पोस्ट की बात करें, जिसकी वैकेंसी 800 कुछ हैं इस बार, जो नई पोस्ट ऐड की गई है, उसमें अगर हम बात करें उसमें ग्रेजुएशन में हर ईयर में आपका एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स का होना जरूरी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनमें ये वाली एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो होगी, ये वाली नहीं होगी, और इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब अगर आपके आपने लिस्ट टू में आपका नाम आ गया है और आपने ग्रेजुएशन के तीनों सालों में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, तो डेफिनेटली सी बात है कि अगर आप पेपर में बैठ भी जाओगे, इवन इफ यू अपियर इन द एग्जामिनेशन, तो चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है आप मैथ्स में बहुत कम स्कोर करो, हो सकता है इंग्लिश में बहुत कम स्कोर करो, तब भी आप यहाँ से एक जॉब लेके चले जाओगे एसएससी से, ठीक है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, अगर आपके पास स्टैट्स रही है, ठीक है, कभी कभी ऐसा मौका मिलता है। तो टीयर वन में 165 कुछ नंबर है, टीयर टू में कम मार्क्स भी आ गए और आप पेपर में बैठ गए और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है मिनिमम क्वालिफाइंग वो आपने क्रॉस कर लिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो
इस चीज का ध्यान रखो, तो आपको एक 4200 ग्रेड पे की जॉब जिसमें 50 से 60 हजार सैलरी मिलेगी वो आपकी कंफर्म हो जाएगी। अच्छा, ये एग्जाम डेट्स के बारे में, ये तो नोटिस में दे रखा था और 7 तारीख को आपका एग्जाम आ जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ये सारा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो आपके यहाँ पे 2018 में 11271 वैकेंसीज थी, और अगर हम बात करें यहाँ पे CGL 2019 की वैकेंसीज की, तो CGL 2019 में आपकी इतनी वैकेंसी है। तो वैकेंसीज में डिप देखने को मिला है, पिछली बार CGDA की SSC CGL 2017 की वैकेंसी 2018 में डाल दी थी, इसलिए ज़्यादा वैकेंसीज थी। बाकी टीयर वन की कट ऑफ के टाइम पे जब आपकी टीयर वन की कट ऑफ आई थी 2018 की, तो आपकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं थी, 8000 कुछ ही वैकेंसी थी, इससे भी कम थी। ठीक है, तो SSC ने इस बार जानबूझ के कम कैंडिडेट्स को बुलाया, COVID-19 या कुछ और रीजन हो सकते हैं SSC के। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे, ये 2018 का टीयर वन का रिजल्ट है जिसमें 150,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया गया था, और आपकी कट ऑफ गई थी यूआर कैटेगरी से 137 मार्क्स। इस बार कट ऑफ आपकी लगभग 10 से 11 नंबर बढ़ गई है एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि पेपर का लेवल भी आसान था, मैंने अपने एनालिसिस में भी इस चीज़ के बारे में जिक्र किया था कई बार। अच्छा, एक चीज़ और देखो आप, टीयर वन को क्वालिफाई करने वाले इतने कैंडिडेट्स हैं 1.25 लाख, लेकिन जो पेपर में अपियर होंगे टीयर टू में वो 1.05 लाख ही अपियर होंगे लगभग, या फिर 1 लाख अपियर होंगे। हर बार 20,000 बच्चे जो टीयर वन को क्वालिफाई करते हैं कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाते हैं और पेपर देने जाते ही नहीं, हो सकता है 1 लाख ही रह जाए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, राइट। तो लगभग इतने कैंडिडेट्स देंगे और जो सिलेक्ट होंगे टीयर टू के बाद वो होंगे लगभग 45,000 के आसपास मान के चलो। ठीक है, 45,000-50,000 SSC के ऊपर डिपेंड करेगा। तो लगभग जो लोग टीयर टू देने जा रहे हैं, अगर 2 लोग टीयर टू देने जा रहे हैं, 2 में से 1 का सिलेक्शन होगा टीयर टू के बाद, 1 छूट जाएगा। जबकि टीयर वन में सिलेक्शन रेट काफ़ी कम था, लगभग 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, 20 लाख ने अप्लाई किया था, 10 लाख में से 1.25 लाख सेलेक्ट कर दिए, मतलब 12% लोगों को सेलेक्ट कर दिया, लेकिन टीयर टू में 50% लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। टीयर टू की जो कट ऑफ होती है उसकी कोई भी रेलिवेंस नहीं होती, क्योंकि टीयर टू की कट ऑफ पे आप आसपास नंबर ले जाते हो तो आपका चांस बिल्कुल भी नहीं होता। टीयर वन के बाद हल्का सा चांस है आपके पास, क्योंकि 200 नंबर हुए हैं अभी, 700 नंबर का टोटल होता है अगर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का पेपर छोड़ दें तो, 500 नंबर में आप मैक्सिमम स्कोर करके जॉब ले सकते हो। वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, कैसे कैसे करना है, कितना स्कोर करना है आपको, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, यही फायदा होता है कि लगातार एनालिसिस आप करते हो, सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेव हो जाती हैं कि पिछली बार का सेफ स्कोर कितना था, इस बार का कितना होगा, इस बार कैसे चीज़ें चल रही हैं, नॉर्मलाइजेशन पिछली बार कैसे हुआ था, इस बार क्या हो रहा है, सारी चीज़ें दिमाग में कहीं ना कहीं रहती हैं हमारी, और कौन सी पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ जा सकती है सब कुछ, राइट। तो उन पर भी आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। तो टीयर टू की कट ऑफ क्लियर करना बहुत आसान है, लेकिन कट ऑफ क्लियर करने से सिलेक्शन नहीं होगा, कट ऑफ से आपको 50 से 60 नंबर एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे अगर आपको जॉब चाहिए। ठीक है, 40 से 50 नंबर तो कम से कम मान के चलो, जो टीयर टू की कट ऑफ आएगी उससे ज़्यादा नंबर लाने हैं। तो टीयर थ्री की कॉपी वैलिड ज़्यादातर लोगों की हो जाएगी, आधे लोगों की होगी, आधों की नहीं होगी। अच्छा, अगर हम बात करें SSC CGL 2018 स्टैट्स के पेपर की बात करेंगे, टीयर जो आपके JSO के लिए या जूनियर वो स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेट इन्विजिलेटर व्हाटएवर इट इज, उसके पेपर के लिए जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करे थे वो थे 8578 कैंडिडेट्स। ठीक है, तब उसकी कट ऑफ 165 थी, और इस बार बात करेंगे हम, और वैकेंसीज की बात करें, पिछली बार टोटल वैकेंसीज 274 थी, लेकिन इस बार जो कैंडिडेट्स हैं वो हैं 19391 जो क्वालिफाई कर गए हैं, और वैकेंसीज कितनी है 265, तो आपकी इसकी हो गई जो हमेशा ही होती है JSO की, पिछली बार 274 थी, उससे 5-6-9 वैकेंसीज कम है लगभग। और स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की जो वैकेंसीज है वो कितनी है 840। ठीक है, और यही वो पोस्ट है जो मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 3 साल में स्टेटिस्टिक्स थी और इस लिस्ट में आपका नाम आ गया तो अपनी जॉब पक्की समझो। ठीक है, पेपर देने चले जाना जॉब पक्की। और बाकी जिन लोगों के पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं थी, जैसे कि मैंने बताया इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन अलग है, तो पेपर नहीं दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, पेपर दे दोगे तब भी फर्क नहीं पड़ता। गिवन ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हो तो आपको क्या करना है, इसे पोस्ट प्रेफरेंसमेंट नहीं डालना, वरना अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है इन दोनों में से किसी भी एग्जाम के एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, इसका पेपर नहीं देना, अवॉइड कर देना पेपर। ठीक है, इसका पेपर देना ही मत। ठीक है, ये इनकी क्वालिफिकेशन है एसेंशियल, एक बार रीड मार लो, 60% मार्क्स हो जाए या तो 12th में या फिर ग्रेजुएशन में आपका एक सब्जेक्ट हो, किस चीज़ का, स्टेटिस्टिक्स का, ये JSO का है। स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का क्या है क्वालिफिकेशन, BTech, मतलब आपकी बैचलर्स डिग्री के 3 साल में एक ना एक सब्जेक्ट आपका स्टेट्स का होना चाहिए। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की कट ऑफ देखोगे तो एक नई चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये 2018 की कट ऑफ है, 170 नंबर कट ऑफ गई थी, 15,000 लोग क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन और वैकेंसीज कितनी थी 300। इस बार क्या हुआ, वैकेंसीज तो बढ़ गई आपकी 500, लेकिन जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए वो बहुत कम है। मतलब यहाँ पे अगर आप इसकी कट ऑफ क्लियर कर लेते हो
और आपको इस पोस्ट पे अगर जॉब चाहिए तो इट इज वेरी इजी आप फॉर यू, मतलब आपके 180 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं योर कैटेगरी से या कुछ भी, तो एओ का पेपर अगर आप देखे ये वाली जॉब लेना चाहते हो, कहीं ना कहीं अगर आप कहते हो कि सर टीयर वन में मेरे तुक्के से नंबर आ गए, मेरा मैथ्स बहुत वीक है, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है लेकिन मैंने अच्छा स्कोर कर दिया भाई चांस, या फिर मीडियम है बहुत कॉन्फिडेंस आपको इसमें नहीं है, तो एओ का पेपर देने ला पेपर फोर, आपकी जॉब लग जाएगी इससे, ठीक है। बहुत मुश्किल कुछ नहीं पूछते आपने, टीयर वन में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है वही सेम इकोनॉमिक्स है, कुछ अलग नहीं है इकोनॉमिक्स में, बस यहाँ पे आपको अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा, जो कॉमर्स के बच्चे उन्हें अकाउंट्स आता ही है, 11, 12 की अकाउंट्स आती है, वो आप आराम से कर ही लोगे डबल एंट्री बुक की बेसिक टर्म्स जो होती है वो आपको पता ही है, अगर अकाउंट्स के स्टूडेंट हो साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग की एक बुक ले लेना अकाउंट्स की, टीएस ग्रेवाल, वहां से आपका ये कवर हो जाएगा, और 12th की एक बुक ले लेना, वरना एक तेज प्रताप सिंह की बुक आती है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है वो, उन्होंने भी अकाउंट्स की एक बुक लिखी है, ठीक है, अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स की, उस बुक से भी तैयार कर सकते हो, छोटी सी बुक है, ठीक है, 15-20 दिन पढ़ोगे कवर हो जाएगी वो बुक, ठीक है। तो पेपर फोर की तैयारी आप इस तरीके से कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो 180 से ऊपर नंबर है तो बाकी पोस्ट के लिए भी आप टॉप पे ही हो तो बाकी पोस्ट भी ले सकते हो आराम से, अपनी मनचाही पोस्ट तक पहुंच सकते हो, तो मैथ्स और इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको ये जॉब चाहिए या नहीं चाहिए, राइट। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस पोस्ट को, ऑल्दो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब है एसएससी सीजीएल के थ्रू और ग्रेजुएटेड पोस्ट है, फिर भी लोग एक्साइज इंस्पेक्टर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इस पोस्ट के मुकाबले। पोस्ट प्रेफरेंस बड़े ध्यान से भरनी होती है। सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपका डाउट है, देखो सर्टिफिकेट्स के लिए एसएससी ने डेट दी थी 25 नवंबर 2019, जो भी आप लगा रहे हो अपना ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या कोई सा भी सर्टिफिकेट, मतलब कोई सी भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास इस डेट से पहले होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। ओबीसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लोग पूछते हैं, ये जनरली 3 साल होती है, मतलब इस डेट से 3 साल पहले का बना हुआ है तो चल जाएगा। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, शायद 1 साल होती है, और बाकी कैटेगरीज की कुछ डिफाइंड नहीं है, एससी एसटी कैटेगरी की शायद या तो ये 10 साल होती है, आई एम नॉट 100% श्योर, या तो 10 साल होती है या फिर इनफाइनाइट होती है, ठीक है, तो मिनिमम 10 साल तो होती है। तो इस डेट से पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस डेट के बाद अगर आप सर्टिफिकेट बना देते हो और आपने अप्लाई कर दिया है तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मान्य कर देंगे या फिर आपको मान्य नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप सर्टिफिकेट्स नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ले जा पाए तो शायद एसएससी के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपको यूआर कैटेगरी में कंसिडर कर लिया जाएगा, राइट। तो यूआर की तरह आपकी चीज़ें चलेंगी। अगर आप फेक सर्टिफिकेट बना के जाते हो तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, तो फेक मत बनवाना, हो तो ठीक है, नहीं हो तो एक बार नोटिफिकेशन को दोबारा खुद रीड कर लेना, खुद रीड करना जरूरी है, ठीक है, मेरा इंटरप्रिटेशन जरूरी नहीं हर बार सही हो, तो आपको खुद भी रीड करना चाहिए, राइट। सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर हो गए, ये मैंने आपको बता दिया, ये कंपलसरी नहीं है, दोनों पेपर देना चाहो दो, नहीं देना चाहते मत दो, बाकी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहोगे सिर्फ इन पोस्ट को छोड़ के। क्लियर है ये चीज, सारे ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई दी। अच्छा, अब बात आती है मार्क्स की, कि कितने मार्क्स आने चाहिए, राइट। मैंने आपको बता दिया लगभग कितने मार्क्स आपके भर सकते हैं, ठीक है, कट ऑफ क्या रही है। तो अगर आप बाउंड्री पे भी नंबर लेके आ रहे हो, मैं आपको डायरेक्टली ये बताता हूँ कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, मैं बात कर रहा हूँ यूआर कैटेगरी की, अगर आपको यूआर कैटेगरी किससे हो, एसएससी सीजीएल के थ्रू अलग अलग तरह की जॉब्स होती हैं, एक होती है 2400 ग्रेड पे की जॉब, डेट इज टैक्स असिस्टेंट हो गया इन सीबीईसी एंड सीबीआईसी एंड सीबीडीटी डिपार्टमेंट, एक दूसरी पोस्ट हो गई 2800 ग्रेड पे की जो हो गया ऑडिटर, और एक तीसरी पोस्ट होती है आपकी 4600 ग्रेड पे की, डेट इज जेएसओ या फिर स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, और एक होती है 4600 ग्रेड पे की जॉब आपकी, जो सारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन एमईए हो गया, ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, ये सारी इस तरह की जॉब्स होती हैं, तो सबकी कट ऑफ अलग अलग होती है। तो मैं आपको जनरल आइडिया देता हूँ किसकी, अगर इस ग्रेड पे की पोस्ट चाहिए तो मिनिमम कट ऑफ क्या जा सकती है टीयर टू के बाद, मतलब लगभग आपको कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे। मैं क्या चीज़ मान के चल रहा हूँ, जो पेपर का लेवल होगा, ठीक है, पेपर का जो लेवल है या एवरेज स्कोर जो लोगों का रहेगा इस बार सीजीएल टीयर टू में, वो लगभग वैसा रहेगा जैसा पिछले साल था 2018 में था टीयर टू में, तो उसी हिसाब से उस पेपर के लेवल को ध्यान में रखते हुए, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, और जो नंबर बताऊंगा इसे दिमाग में सेव कर लेना, कहीं ना कहीं आपको वही नंबर टारगेट करना होगा, ठीक है। ये कोई नंबर नहीं है, मतलब नंबर तो है बेसिकली, लेकिन इसके आसपास चीज़ें चेंज हो सकती हैं, पेपर का लेवल चेंज हो गया तो नंबर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन पिछले साल को ध्यान में रखते हुए मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। बाद में ये मत कहना कि सर आपने ये नंबर बताया था, पेपर तो बहुत हार्ड आ गया, कट ऑफ तो बहुत नीचे चलेगी, या पेपर बहुत ही गया, कट ऑफ तो जो आप कह रहे थे उससे ज़्यादा नंबर हाई चलेगी, तो ऐसा नहीं है, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 2400 ग्रेड पे या 2800 ग्रेड पे की जॉब के लिए मिनिमम जो आपको स्कोर चाहिएगा, आपकी यूआर कैटेगरी से कट ऑफ गई है 148 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली। 2400 ग्रेड पे की पोस्ट के लिए, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, आप मान के चलो 600 नंबर में से, टीयर टू की बात कर रहा हूँ, टीयर थ्री को फिलहाल छोड़ रहा हूँ मैं, टीयर टू में लगभग मान के चलो आपको 500 नंबर लेके आने हैं।
500 नंबर लेके आने हैं, 500 प्लस टू भी 100% सेफ कि आपके हाथ जॉब लगने के चांसेस रहेंगे पिछली बार की तरह अगर चीजें चली तो, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन पिछली बार की तरह हुआ, ठीक है। तो आपको नंबर कितने चाहिए होंगे यहाँ पे, नॉर्मलाइज स्कोर अगर आपके 150 हैं, आप बाउंड्री वाले हो, 7 तारीख को आपको नंबर मिल जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको लगभग कितने नंबर आने पड़ेंगे, 350 नंबर अप्रॉक्सीमेटली टीयर 2 में 400 में से, जो कि बहुत आसान नहीं होगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब नहीं लगेगी, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। अगर आप चाहो कि आप इंस्पेक्टर पोस्ट तक जाना चाहते हो या कुछ और बड़ी पोस्ट के लिए जाना चाहते हो, तो उसके लिए वही नंबर 350 से बढ़ के 380 हो जाएगा, 370 हो जाएगा, इतना आपको लाना पड़ेगा 400 में से, जो कि बहुत मुश्किल पड़ेगा, राइट। लेकिन नॉर्मलाइजेशन आपको हेल्प कर देता है इसमें। अगर इजी शिफ्ट हुई तो आप फंस जाओगे, अगर हार्ड शिफ्ट हुई तो पॉसिबल है, और आपने बहुत अच्छी तैयारी करी और हार्ड शिफ्ट हो गए, नॉर्मलाइजेशन में 40-50 नंबर बढ़ गए, तो आप पहुंच सकते हो आराम से, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका पेपर पड़ गया इजी शिफ्ट में, ठीक है, और तैयारी अच्छी करी है लेकिन फिर भी 200 में से मैथ्स में 180 लिया है, ठीक है, इंग्लिश में भी 180 लिया है, तो फिर भी आपका चांसेस बन जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि इजी शिफ्ट में मैथ्स में 150 रह गए 200 में से और इंग्लिश में 170 लिया है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस खत्म हो जाएंगे अगर आप बाउंड्री के पास हो। तो आपको मतलब ज़्यादा इस मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको जॉब चाहिए, क्योंकि आपको उन लोगों से भी कम्पीट करना है जो ऑलरेडी अभी 180 से ऊपर नंबर लेके आ रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे जो कट ऑफ है होगी उसमें 9000 लोग ज़्यादा हैं, 4000 लोग ऐसे हैं जिनके 180 से ज़्यादा नंबर है, तो उनसे भी आपको कम्पीट करना है। ये चीज़ दिमाग में सेव हो गई, तो लगभग इतना नंबर आपको लाना पड़ेगा। अब आपके नंबर से आप कहोगे सर मेरे तो 165 नंबर आ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है, मार्क्स बढ़ने के बाद मेरे पास जो नंबर बने वो मेरे 165 नंबर बने, 165 नंबर बने, तो आपको एक छोटी सी जो कोई सी भी जॉब के लिए यूआर कैटेगरी से लगभग आप मान गए चलो कि आपको कितने नंबर लाने हैं, 135 नंबर लाने हैं। ये चीज क्लियर होगी, सॉरी 135 कह रहा हूँ, 335 नंबर लाने, तो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। आपके टीयर 1 में 200 नंबर है और मिनिमम पोस्ट चाहिए, तो आप 300 नंबर भी ले आओगे टीयर 2 में, तब भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे, राइट। तो ये मिनिमम मान के चलो इतना। अब कुछ लोगों को लगेगा सर ये इतनी बड़ा नंबर कैसे पता चलेगा, 500 नंबर 600 में से सिर्फ टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, पहले तो इतने में इंस्पेक्टर बन जाते थे हम। लेकिन भाई अब चीज़ें चेंज हो रही है, नॉर्मलाइजेशन आ गया है, राइट। नॉर्मलाइजेशन में फ्री के नंबर भी मिल रहे हैं आपको, नंबर बढ़ भी रहे हैं, चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, एक अच्छी चीज़ हो रही है आपके साथ। तो इतना मान के चलो 2018 में भी बहुत सारे लोग 600 में से ज़्यादा नंबर लेके आए थे, 7 से 8 लोग ऐसे थे जिनके 600 में से 600 से ज़्यादा नंबर थे, राइट। तो ITI इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट लिमिटेड होती है, MBA की पोस्ट लिमिटेड होती है, स्टार्टिंग के 200-300 लोग ही खत्म कर देते हैं उन्हें, 400 लोग खत्म कर देते हैं, तो वो उस टाइम पे फिर क्या होता है कि उनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा छाई जाएगी। आप कहोगे सर मेरा बाउंड्री पे स्कोर है 150 नंबर और मैं चाहता हूँ क्या मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकता हूँ, क्या मैं ASO इन MBA की पोस्ट तक पहुँच सकता हूँ, नहीं पहुँच सकते। क्लियर कट जवाब है मेरा, नहीं पहुँच सकते। अगर आप 150 बाउंड्री पे हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ASO इन MBA की पोस्ट पे जाना चाहते हो, नहीं पहुँचोगे, 400 में से 400 नंबर लिया तब भी नहीं पहुँचोगे। ये क्लियरिटी रियलिटी है, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में कि हम किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कैसे कैसे चीज़ें चलेंगी। तो मैं दोबारा आता हूँ, 2400 ग्रेड पे के लिए अगर प्रीवियस ईयर का देखा जाए तो आपको मार्क्स लगभग अपने दिमाग में जो नंबर बना के चलना है कि आपको ये एम करना है 600 में से मुझे 500 प्लस नंबर चाहिए टू गेट अ जॉब, और इसमें भी आपको ड्रीम लोकेशन हो सकता है ना मिले, उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, थोड़े ज़्यादा नंबर लाने पड़े। 2800 ग्रेड पे की बात करूँगा, इसमें लगभग 6-7 नंबर आप बढ़ा लो या फिर 510 मान के चलो, इतने लिया ना 600 में से, लगभग बता रहा हूँ मैं एवरेज में, इतना टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपको चाहिए यहाँ पे 4600 ग्रेड पे की जो JSO का तो पूरा अलग ही सीन चलता है, उसका पेपर ही अलग होता है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। 4600 ग्रेड पे जो मिनिमम कट ऑफ जाती है एक होती है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट और एक होती है एक्साइज इंस्पेक्टर। एक्साइज इंस्पेक्टर इसलिए यहाँ पे आ जाता है क्योंकि इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, आपको वैकेंसी पता ही है ऑलरेडी कितनी वैकेंसीज हैं एक्साइज इंस्पेक्टर की, लगभग 2000 के आसपास जितनी वैकेंसीज हैं, तो इसकी वैकेंसी ज़्यादा होती है, इसकी कट ऑफ सबसे कम जाती है 4600 ग्रेड पे में। और इसके लिए आप मान के चलो अपना टारगेट रखो 520 से 525 नंबर का मिनिमम आउट ऑफ 600। अच्छा ये टारगेट कैसे है, मैं मान के चल रहा हूँ टीयर 3 में आप कितना स्कोर करोगे, उसके बाद 60 स्कोर करोगे या एवरेज स्कोर करोगे, राइट। अगर आप एवरेज से ज़्यादा कर देते हो तो सो आपको यहाँ पे मैंने कहा 500 नंबर, आपके 490 भी आ गए और टीयर 3 में आपने 70 नंबर ले लिए, 75 नंबर ले लिए, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अच्छा ये एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए कहा मैंने, अगर आप कहोगे सर CSS के लिए बता दो, CSS के लिए लगभग 20 नंबर और बढ़ जाएगा, तो 540 नंबर आपको मिनिमम लेके चलना पड़ेगा 2019 में इतने में से। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करेंगे हो सकता है वो 560-565 पे कूद जाए, ठीक है, ये पिछले साल के लेवल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें अलग हैं, ठीक है। टीयर 2 का पैटर्न अलग होगा, सब कुछ अलग होगा, लेकिन आप जो पेपर दे रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, वो पिछले साल के हिसाब से बनाए गए होंगे, पैटर्न वही रहा, फॉलो करेंगे मॉक टेस्ट बनाने वाले, क्योंकि वो लेटेस्ट पैटर्न है, ठीक है, उस हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई। अब कुछ और चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो लोग अनअकैडमी प्लस जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है,
जिन्होंने ऑलरेडी अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर रखा है उनको मैं बता देता हूँ, मेरा कंप्लीट अर्थमेटिक का कोर्स अनअकैडमी पे आ चुका है, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएंगी, आप लोग वहाँ से रिकॉर्डेड वीडियोज देख के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हो। ठीक है, जो कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो रिकॉर्डेड वीडियो में जो क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है उन्हें सोल्व कर लो, अब कम टाइम में आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, आपको सारे टाइप कवर हो जाएंगे वहाँ से, आपका हो जाएगा जिन्होंने ऑलरेडी प्लस ज्वाइन कर रखा है उनके लिए। ठीक है, बाकी मेरा एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है 6 जुलाई से, एडवांस मैथ्स का अर्थमेटिक हो गया, एडवांस अब स्टार्ट कर रहे हैं, रोज़ क्लास होंगी हमारी 9 से 11 मंडे टू सैटरडे। ठीक है, जो प्लस के मेंबर्स हैं वो डेफिनेटली इस क्लास में एनरोल कर सकते हैं। राइट, 6 जुलाई से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, लाइव हो जाएगा, और जितने लोग अनअकैडमी प्लस पे हैं वो मुझसे लाइव इंटरेक्ट इसी टाइम पे कर ही सकते हैं। मेरी क्लास जैसे 11 बजे ख़त्म हो रही है तो 11 बजे से 10 मिनट पहले आप आ जाओ, अगर आप मुझसे नहीं पढ़ रहे किसी और एजुकेटर से पढ़ रहे हो उस केस में भी कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का SSC एग्जाम से रिलेटेड है 10 मिनट पहले आ जाओ क्लास में, लाइव आके पूछ लो, साथ ही साथ अपना डाउट खत्म करो, मेल करोगे मैसेज करोगे उसका रिप्लाई आने में टाइम लगेगा, 11 बजे से 10 मिनट पहले हो अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो, खत्म करो। राइट, मेरे लिए भी आसान होता है लाइव बताना आपको कि किस चीज़ में क्या करना है, अब क्या करें, मैंने इतना पढ़ लिया। एक होता है ना आपको 1-to-1 मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है कि सर, क्योंकि मैं आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो देता हूँ वो सबको जनरलाइज करके देता हूँ, लेकिन होगा क्या आपका लेवल अलग है, आपका कोई टॉपिक अच्छा है कोई टॉपिक बुरा है, तो आपको 1-to-1 मेंटरशिप की अगर जरूरत है, आप 1-to-1 मुझसे कुछ पूछना चाहते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के बारे में, किसी पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में, किसी पर्टिकुलर जॉब के बारे में, तो इस टाइम पे आके 10 मिनट पहले आकर मुझसे हमेशा पूछ सकते हो जो अनअकैडमी प्लस के मेंबर्स हैं। राइट, जो अनअकैडमी प्लस के मेंबर्स नहीं हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें अपनी तैयारी पूरी करनी है। अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो ऑलरेडी, आपका 180-190 के आसपास नंबर जा रहा है, 170 नंबर जा रहा है, तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, मेंटर्स की हेल्प लेके अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो। वरना अगर आपको लगता है कि आपने कंसेप्ट आपके सारे के सारे क्लियर हैं तो आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, वो आप खुद भी कर सकते हो, और मेरे स्पेशल क्लासेस आती हैं कुछ, उसमें बहुत सारी फ्री भी होती हैं, वो सारी अटेंड करके अपनी तैयारी को और आगे तक ले जा सकते हो। राइट, तो आपको क्या करना है, जो लोग अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, बाकी कर ही लेना चाहिए, अगर आप कट ऑफ के आसपास से आपके 160 नंबर आ रहे हैं, 165 नंबर आ रहे हैं, तो आप मेंस के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका फाउंडेशन क्लियर है, मैथ्स और इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो आप अपने हिसाब से तैयारी भी कर सकते हो। राइट, बाकी होगा क्या, मैं आपको पहले स्पेशल क्लासेस के बारे में बता देता हूँ, कल और परसों मैं फिर लाइव आ रहा हूँ, ये स्पेशल क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस हैं, आपने अभी तक फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स हैं कम से कम आप डाउट्स तो क्लियर कर ही पाओ, और बाकी जो मेरे सेशन है वो अटेंड कर सको, जिससे कि आपको एक स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें मिल जाएँ और प्रैक्टिस सेशन अच्छे क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाए कंपाइलेशन की फॉर्म में। ठीक है, कल 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मेरी क्लास होगी, फ्री क्लास है, परसों भी ऐसे ही होगा, इसमें हम CHSL के प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, और इस वाली क्लास में हम क्या करेंगे, इस वाली क्लास में हम परसेंटेज चैप्टर के कुछ मेंस लेवल के अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़े कैलकुलेटिव, थोड़े अलग टाइप के, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये क्लासेस आप फ्रीली अटेंड कर सकते हो, हर महीने 10-12 क्लासेस होते हैं, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर तो उसका अपडेट दे ही देता हूँ। बाकी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अनअकैडमी में मुझे फॉलो करना है, जिससे कि ये क्लास अटेंड कर पाओ, कुछ पूछना है वो पूछ पाओ साथ के साथ। राइट, अब बारी आती है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की। ठीक है, प्रमोशन है लेकिन ज़रूरी है, और आपको तैयारी में एक ही जगह पे सारे कोर्सेज मिल जाते हैं इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज़ के थ्रू, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, ये खाली मैं CGL मेंस एस्पिरेंट्स के लिए नहीं कह रहा। ठीक है, CGL मेंस के जो एस्पिरेंट्स हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी तैयारी कैसी है, अगर आपको ज़रूरत है मेंटर्स की हेल्प की तो आप मेंटर्स की हेल्प लो, खुद करना चाहते हो खुद भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी तैयारी, आपका भी सिलेक्शन रुक गया है किसी तरह कारण से, आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए हो, तो ज़रूरी है कि आप मेहनत करो, आगे के जो फ्यूचर एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छे से करो, और उसमें एक बार के में सिलेक्शन लो। कंपटीशन बहुत बढ़ी रहा है और हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर हम बात करें यहाँ पर अनअकैडमी पे होता कैसे है, आपको मंथली सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी पे आपको पता है कौन कौन टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है, जो भी आपके बेस्ट एजुकेटर्स हैं सारे के सारे अनअकैडमी पे, उनके सारे के सारे कोर्सेज मिल जाते हैं आपको। मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, से आपने 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो 12 महीने में जितने भी एजुकेटर्स के बैचेस आएंगे सारे में आप एनरोल कर सकते हो, चाहे वो Tier 1 Tier 2 हो, प्रैक्टिस बैच हो, वो सारे के सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। जो प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, जो ऑलरेडी बैच आ चुके हैं, उनकी रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिल जाएंगी, उनकी PDFs मिल जाएंगी, वहाँ से भी कवर कर सकते हो। कुछ लोगों को होता है कि सर मुझे लाइव पढ़ना है, ठीक है, मैं लाइव क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ, तो लाइव अटेंड कर सकते हो। रिकॉर्डेड देखनी है, कम टाइम में 2x की स्पीड पर वीडियोज़ खत्म करनी है तो रिकॉर्डेड देख लो, जैसी आपकी स्पीड है उस हिसाब से आप चल सकते हो, सारे फिल्टर्स वगैरह अवेलेबल हैं, सारी PDFs मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप CGL 2020 की तैयारी कर रहे हो, CHSL 2020 की तैयारी करना चाहते हो, तो बेस्ट है कि आप 12 महीने वाला या 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन ले लो। राइट, 2 साल वाला इसलिए अगर आप कॉलेज में हो तो 2 साल में आपका CHSL दोगे, CGL दोगे, सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे, और 1 साल वाले और 2 साल में सिर्फ 1,080 रुपये का फर्क है। और ये भी कब आएगा, वैसे तो कोर्सेज थोड़े महंगे हैं, लेकिन आप RB10 कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, इस डिस्काउंटेड रेट पर आप ये कोर्सेज ले सकते हो और अपनी तैयारी को एक अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है,
तो आप ये वाले प्लान ऑप्ट कर सकते हो। कोड यूज करना है आपको RB10, और आप मुझे अनअकैडमी पे कभी भी मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मोस्ट प्रोबेबली साथ के साथ ही जैसे ही मैं देखता हूँ मैसेज रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मैं यूज करता रहता हूँ एप्लीकेशन को बार बार, ठीक है, क्योंकि मेरी क्लासेस होती हैं वो भी देखना होता है और भी चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है SSC CPO 2020 के लिए, आपको डेट्स तो मिली गई हैं एग्जाम की, ठीक है। उम्मीद तो ये है कि थोड़ा डिले हो सकता है एग्जाम, जो मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि एग्जाम डिले हो सकता है। CGL 2019 भी डिले हो सकता है, CPO 2019 भी, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है 6 जुलाई से, ठीक है। एन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, और इन बैच में आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी कवर कराई जाएंगी बिल्कुल बेसिक लेवल से, तो बिल्कुल जीरो लेवल से कोर्स स्टार्ट किया जाएगा और सारी चीज़ें कवर की जाएंगी इसके। और बाकी आपका होता क्या है, एन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे लगता है वो है कि आपको एक जगह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। होता क्या है, हम जनरली कहीं जाएंगे, पहले मैथ्स किसी एजुकेटर से पढ़ लिया, इंग्लिश किसी और एजुकेटर से, तो हम चार चार जगह कोर्सेज लेते हैं, फिर मैथ्स के एक एजुकेटर से पढ़ लिया, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, फिर दूसरे एजुकेटर का कोर्स ले रहे हैं, फिर प्रैक्टिस सेशन के लिए एक अलग एजुकेटर को पकड़ रहे हैं जिसकी बहुत ज़्यादा जरूरत ही नहीं होती, जो आपको खुद ही करनी होती है, ठीक है। उसके बाद फिर कोर होगा मॉक टेस्ट के लिए, फिर कहीं और जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम अलग अलग जगहों पर जाते रहते हैं। इससे बढ़िया है कि एक जगह लो जहाँ सारे के सारे एजुकेटर्स आपको एक साथ मिल रहे हैं, ठीक है, उनके सारे क्लासेस, ठीक है। रिविजन बैच होगा, रिविजन सेशन जो आते हैं वो भी अटेंड कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। जो फाउंडेशन बैच है वो अटेंड कर सकते हो, प्रैक्टिस बैच है वो अटेंड कर सकते हो, ठीक है। आपको देखना कि आपको किस किस चीज़ की जरूरत है, जरूरी नहीं है आपको सभी प्रैक्टिस बैच की जरूरत हो। अगर आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा हो गया, सारे क्वेश्चन आप खुद ही सोल्व कर रहे हो, तो आप प्रैक्टिस बैच की आपको क्या जरूरत है, राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है, ठीक है। अपने लेवल के हिसाब से आप अलग टीचर्स हैं, कुछ टीचर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, कुछ टीचर बहुत स्लो पढ़ाते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद है, हो सकता है आपको किसी और मेंटर को पढ़ाने का तरीका पसंद है। तो जिस टीचर का आपको पढ़ाने का तरीका पसंद है उस टीचर से पढ़ लो, जो स्लो पढ़ा रहा है, अगर आपकी स्पीड सीखने की स्लो है उससे पढ़ लो, जो टीचर बहुत फास्ट करा रहा है, वो हाई लेवल के क्वेश्चंस करा रहा है, आपको उसका तरीका पसंद है, आप बेसिक कर चुके हो, आप वहाँ से पढ़ लो। तो एक ही जगह पे सारे टीचर्स कवर हो जाते हैं आपके, और वहीं से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो, Tier 1, Tier 2, Tier 3। तो सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से तो यही है आज के टाइम पे कि आप एक बार लो और अपनी तैयारी पूरी करो। जो प्रोमो कोड आपको यूज करना है, डिस्काउंट कोड मत भूलना, आपको RB10 ही यूज करना है, इसका थोड़ा बेनिफिट मुझे भी जाएगा, और ठीक है अगर आपको यूज करना है तो ये वाला यूज करो, अकेडमी प्लस ज्वाइन करो, ठीक है। साथ मिलकर तैयारी करेंगे, कोई डाउट आप मुझसे डायरेक्टली पूछ ही सकते हो, ठीक है। कोड लगाते हैं, वैसे चार्जेस ही हैं, आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें, 12 महीने वाले लोगे तो इतने में, ठीक है। और अगर हम 24 महीने वाला देखते हैं तो यहाँ पर 270 रुपये पर महीने, जिसमें सभी एजुकेटर्स के सभी कोर्स सब कुछ आपको मिल जाता है, ठीक है। खुद तैयारी करो, फिर अपने छोटे भाई बहन जो करना चाहते हैं उन्हें भी आप आगे पास कर सकते हो अपना सब्सक्रिप्शन, और अपनी तैयारी को बहुत आगे तक ले जा सकते हो, ठीक है। मेंस के भी बैचेस आते रहते हैं, अभी शायद अभिनेश मिश्र का और रानी मैम का भी कोई बैच आ रहा है, अमन विशेष सर का भी बैच आ रहा है, और भी टीचर्स हैं जिनके बैचेस आ रहे हैं, ठीक है, मेंस के लिए भी, और पहले भी आ चुके हैं, उनकी रिकॉर्डेड वीडियोज भी अवेलेबल हैं, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। इस टाइम पे ये है कि टाइम वेस्ट आपको नहीं करना, आपको टाइम टेबल बनाना है, एक रूटीन बनाना है अपनी तैयारी का, जिससे कि आप एक बार की में सिलेक्शन ले पाओ, राइट। तो ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं कहीं भी, बहुत लिमिटेड चीज़ें फॉलो करो और अपनी तैयारी करो, ठीक है। कहीं और से पढ़ रहे हो तो वहाँ पे भी लिमिटेड रखो, मतलब वहीं से अपना खत्म करो, राइट। तो यही चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी थी, आई होप यू लाइक दी एनालिसिस, आपको इससे फ़ायदा मिला होगा, ठीक है, आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कितना कितना आपको स्कोर करना है सिलेक्शन के लिए। सो दैट्स इट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।